नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube के चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की नई वैकेंसी आई है, जो कि 2018 की नई वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को किस प्रकार भर सकते हैं और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी और कौन कौन सी पोस्ट है और इसमें फ़ीस कितनी देना पड़ेगा आपको आयोग को। तो सबसे पहले सब दोस्तों आपको अपने गूगल में जाना होगा और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसकी ऑफिशियली लिंक आ जाएगी और आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियली लिंक के अंदर आप आ जाएंगे वेबसाइट के अंदर। आप यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉर्नर में दिख रहा होगा वेब डायरी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी एक ये पेज खुलेगा और इस पेज पे आपको ये लिखा हुआ आइटम वाइज इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक दे रखा है ये रिक्रूटमेंट, इसको आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी का नई, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिक्रूटमेंट आया 2018 का और यहाँ पर ये दे रखा है एक वेब पेज है और मैं इसकी लास्ट डेट आपको दिखा दूँ। लास्ट डेट होगी 26 फरवरी 2018। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको अगर जिस पोस्ट के लिए यहाँ से अप्लाई करना है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दे रखा है यहाँ पर, इसका फॉर्म दे रखा है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसका नोटिफिकेशन जो डिटेल में आ जाएगा आप यहां से इसका देख सकते हैं कि पोस्ट क्या हैगी और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी। तो दोस्तों ये PDF हैगी, इसकी डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो है 5 फरवरी 2018 में आया हैगा और इसमें इसको आपको डेट बता देगा कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट यानी 6 फरवरी 2018 है और इसकी लास्ट डेट 26 फरवरी 2018। तो दोस्तों डेट आप याद रख लीजिए, उसके हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि कौन सी पोस्ट कितनी वैकेंसी किस किस में है। और दोस्तों यहाँ पे एज भी रखी हैगी और ये क्वालिफिकेशन भी बताया गया कि 5th क्लास पास होनी, यानी 5वीं पास कर रखा हो जिन्होंने, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी बता रखा है कि कितने परसेंट कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कौन सी राशि और कितनी वैकेंसी होंगी। दोस्तों इसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फीस कितनी आएगी। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप घर पे भी आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा आपको, आप वहाँ से भी आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और इसका यहाँ पर फीस की बात करें तो फीस जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 300 आएगी और जो SC कास्ट के होंगे और जो ST कास्ट के हैं वो भी UP के होने चाहिए, उनके लिए 200 फीस है। और जो अदर स्टेट के तो उनका सीधा जनरल में हो जाता है क्योंकि स्टेट का उनके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। और यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि किस प्रकार होगा। यहाँ पे उसके मार्क्स भी दे रखे हैं, इंटरव्यू के मार्क्स दे रखे हैं, 10 में से मार्क्स मिलेंगे और इसका ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और दोस्तों इसमें पूरा बताया गया कि एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसका आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें, फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ग्रुप डी की वैकेंसी चली रही हैगी और इसका कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा फर्स्ट स्टेज का। और आप वहाँ से या तो इस फॉर्म को भर लें और जो अपना फर्स्ट स्टेज का अभी रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा, आप वेबसाइट को विजिट करते रहें या आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर इसका कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने ग्रुप डी और सी की दोनों की कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाएगा, आप चाहे तो उसका लिंक वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की आंसर की आने के बाद हमने इसकी कट ऑफ बनाई थी, अब हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई सा भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।